गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। नेक्स्ट पार्ट, इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी शेज मुकेश ग्रांड मदर। अब जो मुकेश की ग्रांड मदर वो भी हैं घर में, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये उसका कर्म है, उसकी डेस्टिनी, उसका भाग्य है, किस्मत है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। और इन दादी ने भी अपने हस्बैंड को देखा है अंधा होते हुए धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो पॉलिशिंग करती हैं ग्लास बैंगल्स को, बैंगल्स के जो ग्लास हैं उनको पॉलिशिंग करती हैं, तो उससे जो डस्ट वगैरह होती है उसकी वजह से जो उनकी आँखों की आई सेट वीक हो गई और फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गई। ऐसा प्रोसेस उन्होंने भी देखा अपने हस्बैंड के साथ में। कैन अ गॉड गिवन लीनियस एवर बी ब्रोकन। कहती हैं कि क्या कभी ईश्वर के दिया हुआ जो हमारा एक लीनियस जो जनरेशन टू जनरेशन चला रहा है, लीनियस माने जो प्रोफेसर कोई काम कर रही हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, क्या उसे तोड़ा जा सकता है। शी इंप्लाइज, वो कहती है। अब देखो, जो शुरुआत में बात आई थी कि कैसे कभी कभी ट्रेडिशन भी जो है उनकी गरीबी का कारण बना हुआ है, तो यहाँ पे वही बात आ रही है, उनकी गरीबी का कारण एक उनका ट्रेडिशन भी है। वो अपने आप को इसमें ऐसा समझते हैं जैसे कि ये ईश्वर ने उनको दिया हुआ है कि बंधन के इससे बाहर वो नहीं निकल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इनकी सोच ऐसी ही है कि ये तो उनका गॉड गिवन लीनियज है, ये उनकी किस्मत है कि वो कितना अच्छा करते हैं कितना अच्छा नहीं करते, जो भी मिल रहा है इस प्रोफेशन से, जो हमारी पुश्तैनी काम जिसे हम बोलते हैं, हमें उसी में रहना है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। अब जिस कम्युनिटी में ये पैदा हुए हैं, जिस कम्युनिटी में का मेन प्रोफेशन ही बैंगल मेकिंग है, उसमें इन्होंने बैंगल्स के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। अपने घर में, घर के बरामदे में, हर दूसरे पड़ोस के घर में, हर स्ट्रीट, हर जगह, मतलब फिरोजाबाद में यही चीज़ देखी है, तो इसके अलावा वो और कुछ सोच भी नहीं सकते। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के जो सर्कल्स हैं स्पायरल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो। जो भी सात रेनबो के जो मीन सेवन कलर्स हैं, उनमें से जो भी कलर बन सकता है या जो भी कलर होता है, हर कलर की ये बैंगल्स होती हैं इनके। लाए इन द माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड। माउंट्स होता है हीप्स, बड़े बड़े ढेर। इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, जो उनके बरामदे हैं वो ज़्यादा साफ़ सुथरे नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी फैली हुई हैं ये सब चीज़ें। आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स। आपने देखा होगा हैंड कार्ट्स वगैरह, आदमी होता है उस पहिए, चार पहिए होते हैं, उस पर सब्जी वगैरह भी बेचने वाले बहुत सारे कॉलोनीज वगैरह में घूमते रहते हैं। उसी तरीके से उन हैंड कार्ट्स पर पाइल्ड करके लोग वगैरह उनको बेचते हुए घूमते हैं। पोस्ट बाई यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शांति टाउन। यंग मैन जो होते हैं उनको पुश करके और कॉलोनी और हर जगह घूमते रहते हैं, पतली पतली सकरी गलियों में। शांति टाउन होता है जो छोटे छोटे जहाँ पे हट्स वगैरह होते हैं, तो फिरोजाबाद की जहाँ पे ये ऑथरेस जाती हैं, तो वो पूरा का पूरा ऐसे ही लगता है शहर के हटमैंस हैं। एंड इन डार्क हटमैंस नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। दूसरा क्या होता है, डार्क हटमेंट्स, छोटी छोटी झोंपड़ियाँ जो फुल ऑफ डार्कनेस हैं, अंधेरे हैं, जहाँ पे ये काम बनता होता है वहाँ पे डार्कनेस होती भी है। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। ऑयल लैम्प्स जो फ्लिकर करती है, स्टेडी नहीं है, जो फ्लेम होता है वो फ्लिकर करता रहता है, उसके साइड में बैठ जाती हैं। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो उनके घर के जो बच्चे होते हैं यंग, वो भी यही काम करते हैं।
विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने घर के जो लोग हैं, मम्मी पापा लोग हैं, सबके साथ में, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्डिंग करना, जोड़ना, वेल्ड करना, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के सर्कल्स में बनाने में वो जो पीसेस होते हैं कलर्ड ग्लास के, उनको वेल्ड करती हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, वो कहती हैं ऑथरेस कि उनकी जो आँखें हैं वो डार्क के लिए ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं, ना कि जो नेचुरल जो लाइट होता है, दिन का उजाला होता है, उसके कंपैरिजन में। एंड दैट इज़ व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और इसीलिए वो ऑथरेस कह रही हैं कि उनकी जो आँखें हैं, आई साइट जो है वो ख़त्म हो जाती है बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, इससे पहले कि वो एडल्टहुड में आए, उससे पहले ही उनकी आँखें चली जाती हैं या बहुत वीक हो जाती हैं। अब एक एग्जांपल और आ रहा है, सविता, ये मुकेश की फैमिली से नहीं है लेकिन उसी झोंपड़ अपार्टमेंट्स वगैरह में रहती हुई कोई, तो दूसरी एक लड़की है, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस। पिंक ड्रेस ड्रैब कलर का माने थोड़ा सा एक डल कलर, ब्राउन कलर होता है, थोड़ा सा मिक्स टाइप का मेहंदिया कलर, और पिंक ड्रेस भी है, तो माने यहाँ पे ड्रेप का मीनिंग हो रहा है थोड़ा सा डल कलर, पिंक ड्रेस है लेकिन वो डल कलर में है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, अपने घर की एक बूढ़ी बुजुर्ग लेडी होंगी, दादी होंगी, उनके साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग करना भी माने वेल्डिंग करना, जोड़ना होता है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, जैसे एक मशीन, उसके दो हाथ जो कहीं से जुड़े हुए हैं एक तरफ से, और जो काम एक मशीन के जैसे कोई कलपुर्जे हैं जो काम कर रहे हैं, वैसे उसके मैकेनिकली बड़ी एक्सपर्ट हो गई है वो काम करने में। आई वंडर इफ शी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, ऑथरेस कह रही मुझे बड़ी हैरानी होगी इस, क्या उसे वाकई में, क्या उसे ये भी पता है कि इन चूड़ियों की पवित्रता, सेंक्टिटी माने होलीनेस, सेक्रेड, क्या पवित्रता है, क्या ऑस्पिशियसनेस है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये क्या सिंबलाइज करता है, इंडियन वुमेन, भारतीय जो हमारी जो लेडीज होती हैं उनका सुहाग, मीन्स सुहाग हिंदी का ही वर्ड है सुहाग, कि वो मैरिड हैं, उनका उनके हस्बैंड वगैरह भी हैं, तो इस चीज़ को वो दिखाता है, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी में एक ऑस्पिशियसनेस होता है। ऑस्पिशियसनेस का मतलब यहाँ पे जैसे होगा एक शुभ ओमेन है ना, शुभ चीज़ होती है जो ग्रेसफुल होती है, ऑस्पिशियसनेस। तो ऑथरेस कह रही है कि मुझे नहीं पता कि इस लड़की को, सविता जो नाम की बच्ची है, क्या इसको इस बैंगल्स की चूड़ियों की जो सेंटिटी है, पवित्रता है, वो उसे पता भी है कि ये क्या चीज़ सिम्बोलाइज करती हैं, ये सिम्बोलाइज करती हैं लेडी के सुहाग को, उसकी ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज, और शादी में इसकी क्या शुभ चीज़ होती है, कितना इसको शुभ माना जाता है इस चीज़ को। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ट्रैप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। डॉन ऑन का मतलब होता है समझ में आना, इट विल डॉन ऑन हर सडनली, उसको बाद में एकदम से समझ में आएगा एक दिन, व्हेन हर हेड इज ट्रैप्ड, ट्रैप्ड माने यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा, विद अ रेड वेल, ये उस समय की बात कर रही हैं जब वो शादी के लिए तैयार होगी और उसका चेहरा जो उसका सिर जो है वो शादी का जो रेड होता है घूंघट क्या बोलते हैं उसको, उससे कवर होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, मेहंदी से उसके हाथों मेहंदी लगेगी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल लाल कलर की जो बैंगल्स हैं उसकी रिस्ट में वो पहनी होगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस समय जब वो एक दुल्हन बनेगी तब ये सब चीज़ें वो समझेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जैसे कि उसके बगल में, उसके पास में जो उसकी ओल्ड वुमेन, उसकी दादी वगैरह जो बैठी हुई है, वो कई साल पहले बनी थी। मैं इसके बाद में एक वीडियो और बना रहा हूँ छोटी सी,
वहाँ उसमें वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स।